नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है काशी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश के बीच में चलती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है काशी एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। इसका ट्रेन नंबर है 15017। अब ये जो ट्रेन है नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी डिटेल्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर बात करें इस ट्रेन के ट्रैवल टाइम के बारे में, तो मुंबई से गोरखपुर की जो दूरी है ये 36 घंटे 5 मिनट में कवर करती है, और इसके तकरीबन 64 स्टेशन हैं। 1707 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 47 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है, और LHB कोचेस वाली ट्रेन है। अगर हम बात करें इस ट्रेन के कोचेस के बारे में, तो इसमें सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार भी शामिल है। अगर बात करें इस ट्रेन के रूट मैप के बारे में, तो ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से स्टार्ट होती है, बाद में मनमाड़ भूसावल होते हुए ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में एंटर करती है। मध्य प्रदेश के इटारसी जबलपुर होते हुए ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज वाराणसी होते हुए ये गोरखपुर जंक्शन में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें इसके टिकट किराए के बारे में, तो काशी एक्सप्रेस का जो मैं अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसमें सेकंड, थर्ड और स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो सेकंड AC का जो मुंबई से गोरखपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 2625 रुपये, जिसमें 2450 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 125 रुपये है, सुपरफास्ट चार्ज गलती से बोल हो गया था, 2625 रुपये इसका टोटल किराया बनता है मुंबई से गोरखपुर तक का। मुंबई से गोरखपुर तक का थर्ड AC का जो टोटल किराया है वो है 1810 रुपये, जिसमें 1683 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज जो है वो 87 रुपये है, टोटल किराया 1810 रुपये बनता है। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी इसमें स्लीपर क्लास के भी 6 कोच हैं, जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना है। तो स्लीपर क्लास में जो किराया है वो है 680 रुपये, जिसमें 660 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है, टोटल किराया 680 रुपये बनता है। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। बाकी काशी एक्सप्रेस में जनरल डिब्बों के तकरीबन 5 कोच हैं, जिसमें आपको रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के साथ काशी एक्सप्रेस का मुंबई से गोरखपुर तक का जो टोटल किराया है वो है 420 रुपये। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो बाकी इसमें एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है, पेंट्री कार कोच जिसे हिंदी में रसोई यान कक्ष कहते हैं, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपको ट्रेन में डायरेक्टली देने होते हैं, आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, तो आप खाने का आनंद जो है ट्रेन के अंदर भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आगे बात करेंगे लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश तक चलने वाली काशी एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में, और जान लेंगे इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। काशी एक्सप्रेस जो कि डेली ट्रेन है, हफ्ते के 7 दिन चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 15017। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हर रोज़ सुबह 6:35 पर ये 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है, और इसके तकरीबन 64 स्टेशन हैं। 36 घंटे 5 मिनट का समय लगाती है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश तक पहुंचने का। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है थाने महाराष्ट्र। यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 6:58 पर पहुँचती है, और 7 वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 7 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन महाराष्ट्र में सुबह 7:17 पर पहुंचती है, और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और 35 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नासिक रोड रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में सुबह 9:55 पर पहुंचती है, और 10 वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। लासलगांव महाराष्ट्र में ट्रेन जो है सुबह 10:38 पर पहुंचती है, और 10:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, और 215 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मनमाड़ जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 11:13 पर पहुँचती है, और 11:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद चालीसगांव जंक्शन महाराष्ट्र में ट्रेन जो है सुबह 11:53 पर पहुंचती है, और 11:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है।
इसके बाद ये ट्रेन जो है पाचोरा जंक्शन में पहुंचती है। पाचोरा जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:33 पर पहुंचती है और 12:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। जलगांव जंक्शन महाराष्ट्र में दोपहर के 1:08 पर पहुंचती है और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो महाराष्ट्र के आखिरी स्टेशन भूसावल जंक्शन में दोपहर के 2 बजे पहुँचती है और 2:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। रावेर में ये ट्रेन जो है दोपहर के 2:33 पर पहुंचती है और 2:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सॉरी, रावेर भी महाराष्ट्र का स्टेशन है। बुरहानपुर जो कि मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है, यहाँ पर ट्रेन जो है दोपहर के 2:48 पर पहुँचती है और 2:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। खांडवा जंक्शन मध्य प्रदेश में शाम के 4:37 पर पहुँचती है और 4:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। तलवड़िया जंक्शन में शाम के 5 बजे के करीब पहुँचती है और 5:01 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 547 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो छनेरा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में शाम के 5:28 पर पहुंचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद खिरकिया रेलवे स्टेशन पे काशी एक्सप्रेस जो है शाम के 5:53 पर पहुंचती है और 5:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 623 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। हरदा रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में शाम के 6:23 पर पहुंचती है और 6:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और उसका स्टेशन कोड है HD। टिमारनी रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 6:44 पर पहुंचती है और 6:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। बानापुरा रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है शाम के 7:08 पर पहुंचती है और 7:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इटारसी जंक्शन में रात के 8:40 पर पहुंचती है और 8:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के सुहागपुर में ट्रेन जो है रात के 9:33 पर पहुँचती है और 9:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पिपरिया मध्य प्रदेश में रात के 9:48 पर पहुंचती है और 9:50 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 797 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। पिपरिया के बाद ये गडरवारा रेलवे स्टेशन पर रात के 10:23 पर पहुंचती है और 10:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 846 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। केरली स्टेशन में रात के 10:43 पर पहुंचती है और 10:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में रात के 10:58 पर पहुंचती है और 11:00 वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 892 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। नरसिंहपुर के बाद ये ट्रेन जो है श्रीधाम रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में रात के 11:23 पर पहुंचती है और 11:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। मदन महल रेल्वे स्टेशन पे रात के 12:18 पर पहुंचती है और 12:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। जबलपुर मध्य प्रदेश में रात के 12:35 पर पहुंचती है और 12:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सिहोरा रोड मध्य प्रदेश में रात के 1:18 पर पहुंचती है और 1:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। कटनी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 2:20 पर पहुंचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मेहर स्टेशन में ट्रेन जो है रात के 3:08 पर पहुंचती है और 3:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1128 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
सतना जंक्शन मध्य प्रदेश में रात के 3:45 पर पहुँचती है और 3:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उत्तर प्रदेश के मानिकपुर जंक्शन में सुबह के 5:25 पर पहुँचती है और 5:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। शंकरगढ़ में ट्रेन जो है सुबह 6:09 पर पहुँचती है और 6:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नैनी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 7:15 पर पहुँचती है और 7:16 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। प्रयागराज जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 7:55 पर पहुंचती है और 8:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1341 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। प्रयागराज जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है प्रयाग जंक्शन में पहुँचती है। प्रयाग जंक्शन में सुबह 8:35 पर पहुँचती है, 8:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। फाफामाऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 8:53 पर पहुँचती है और 8:54 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो सराय चंदी रेलवे स्टेशन पर सुबह 9:08 पर पहुँचती है और 9:09 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। फूलपुर उत्तर प्रदेश में सुबह 9:20 पर पहुँचती है, 9:21 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है PLP। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो लोकमान्य तिलक टर्मिनस से चलकर उत्तर प्रदेश के उग्रसेनपुर में पहुँचती है सुबह 9:38 पर और 1 मिनट बाद वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। उग्रसेनपुर के बाद ये ट्रेन जो है जंघई जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:06 पर पहुंचती है और 10:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेन जो है रुकती है। सराय कंसराय रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:23 पर पहुंचती है और 10:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद सूर्यवान रेलवे स्टेशन पर सुबह 10:34 पर पहुंचती है और 10:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। मोंड रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:43 पर पहुँचती है और 10:44 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। भदोही रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में सुबह 10:57 पर पहुँचती है और 10:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। पारसीपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह 11:27 पर पहुँचती है और 11:28 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1440 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कपसेटी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है सुबह 11:56 पर पहुँचती है और 11:57 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है, 1448 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सेवापुरी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12:13 पर पहुँचती है और 12:14 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1 बजे पहुँचती है और 1:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 या 5 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। वाराणसी सिटी में काशी एक्सप्रेस जो है वो दोपहर के 1:25 पर पहुँचती है और 1:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। अड़िहार जंक्शन या अनरिहार जंक्शन में दोपहर के 1:56 पर पहुँचती है और 1:58 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो सदत रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 2:16 पर पहुँचती है और 2:18 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है और इसका स्टेशन कोड है SDT। इसके बाद ये ट्रेन जो है जखियान स्टेशन में पहुँचती है दोपहर के 2:30 पर और 2:32 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1540 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के दुल्हापुर रेलवे स्टेशन पर दोपहर के 2:43 पर पहुँचती है और 2:45 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1548 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और उसका स्टेशन कोड है DLR। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 3:20 पर पहुँचती है और 3:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मऊ जंक्शन के बाद इंदारा जंक्शन
उत्तर प्रदेश में दोपहर के 3:20 पे पहुंचती है और 3:25 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इंदारा जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है काशी एक्सप्रेस जो है वो बेलथरा रोड रेलवे स्टेशन पे शाम के 4:08 पे पहुंचती है और 4:10 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। लार रोड पे ये ट्रेन जो है शाम के 4:24 पे पहुंचती है और 4:26 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो सालेमपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 4:37 पे पहुंचती है और 4:40 के करीब वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद काशी एक्सप्रेस जो है वो भटनी जंक्शन में पहुंचती है शाम के 4:55 पे और 5 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। देवरिया सदर उत्तर प्रदेश में शाम के 5:19 पे पहुंचती है और 5:21 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और इसका स्टेशन कोड है DEOS। इसके बाद ये ट्रेन जो है चौरी चौरा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में शाम के 5:48 पे पहुंचती है और 5:50 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1682 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में शाम के 6:40 पे पहुंचती है और 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। काशी एक्सप्रेस जो है यहाँ तक की दूरी है तकरीबन 1707 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ काशी एक्सप्रेस जो कि मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से गोरखपुर जंक्शन के बीच में रोजाना चलती है उसकी वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।